असलम के व्यूवर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, क्रोशे के पैटर्न के साथ। उसके लिए हमने ये तीन कलर इस्तेमाल करने हैं और ये हमने 3 mm का क्रोशिया ये हमने इस्तेमाल करना है। इसका नंबर थोड़ा सा मिट गया हुआ है, तो उसके लिए हमने ये 3 ply ऊन इस्तेमाल करनी है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन ले लेंगे, तकरीबन हमने 36 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। व्यूवर इसी तरह से करते हुए हमने 36 चेन ले लेनी है। तो व्यूवर्स ये हमने ले ली 36 चेन। तो अब हमने 3 चेन फालतू लेनी है। एक ये हमने 3 चेन ले ली फालतू। फालतू और ये नीडल पे हमने धागा लिया। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5, सॉरी 4, 4। और ये जो 5वीं है इसमें से हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। ये हमने, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया। अब हमने 2 चेन ले ली, 1, 2, नीचे 1, 2 ये छोड़ के तीसरी में हमने इस तरह से, फिर ये उसके साथ वाली में ये हमने इस तरह से 2 ये डबल क्रोशिया ले ली। 1, 2, फिर हमने ये 2 चेन छोड़ देने और ये इस तरह से। ये फिर हमने ये 2 छोड़ दिए चेन और ये तीसरी में और फिर उससे अगले वाली चेन। इस तरह से वीवर हमने ये अपना टोटल यहाँ तक बना लेना। एंड पे हमने फिर 3 चेन में 3 डबल क्रोशे लेने, वो एंड पे आपको बता। तो व्यूवर्स ये देखिए हमने अपना ये सारा बना लिया। अब हमने एंड पे आके ये ऊपर 2 चेन ले ली हैं और 1, 2 और ये हमारी 3 चेन, 3 सॉरी चेन बचे, उनमें हमने ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया। ये इस तरह से तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा कलर। ये जो उसके साथ ही हमें ये चेन नज़र आ रही है उसमें से इस तरह से ये हम, अब हमने यहाँ पे 2 चेन लेनी। 1, ये 2 चेन ले ली और ये हमने नीडल पे धागा लिया और ये जो हमने नीचे खाली छोड़ी हुई थी चेन उसमें से थोड़ा सा ये खींचते हुए लंबा, तो ये हमने ये डबल क्रोशिया बना लेना। अब नेक्स्ट वाली में से ये इस तरह से, अब फिर हमने 2 चेन लेनी है, ये जगह हमने छोड़ देनी है और ये जो हमने चेन छोड़ी हुई थी खाली इस पे हमने इस तरह से, ये व्यूवर्स तमाम हमारा इसी तरह से बनेगा। तो ये देखें व्यूवर्स यहाँ तक हम आ गए। अब हमने ऊपर 2 चेन इस तरह से
इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे तीसरा कलर लगाना है। एक चेन ली हमने और ये जो हमें ये वाला एक एक और ये दो, इनके ऊपर हम अब हमने इस तरह से इस तरह से। अब फिर हमने दो चेन लेनी है और ये हमने छोड़ देना है। और ये जो हमने दो चेन नीचे से इनके अंदर से हमने ये इस तरह से इस तरह से ये व्यूवर्स ये तमाम हमारा इसी तरह से बनेगा। तो व्यूवर्स ये देखिए हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने नेक्स्ट कलर इसमें ऐड करना है, तो उसको हम गुजारेंगे ये इस धागे के अंदर से इस तरह से। व्यूवर ऐसे तो हम उसी तरह से डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से ये है कि थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। सॉरी यहाँ से नहीं व्यूवर्स, इसको पहले हमने यहाँ पे, फिर हमने इसको इसके अंदर से इस तरह से इस तरह से हमें ये फ़ायदा होगा कि खिंचाव जो है ना वो नहीं पड़ेगा। और हम आराम से अब ये हमने और यहाँ पे हमारे कोई भी खिंचाव नहीं पड़ा। तो हम टर्न कर लेंगे। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये इसमें से हमने इस तरह से ऐसे दो चेन ली और यहाँ से हमने अब इस तरह से ये बस बहुत ही आसान और सिंपल और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। कलर इसमें आप अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल करें और जो भी चीज़ बनानी है बहुत प्यारी बनेंगी। तो व्यूवर्स इसी तरह से करते हुए हमने अपना ये सारे का सारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट कर लेना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बस कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा।